फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डॉट इन में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं सब आप लोग? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फ्राइडे क्या हुआ। फ्राइडे मार्केट में बुल रन था, मार्केट अप ही अप रही सारे दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अगर आप डाउन साइड के लिए देखते हैं तो कोई खास डाउन साइड नहीं था फ्राइडे को, ठीक है। अब लेट से कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मार्केट जहाँ क्लोज हुई है 19,820 के लेवल के आसपास हुई है, वहां से अगर आप अपसाइड देखते हैं, पहला लेवल जो मैं देख रहा हूँ वो 19,865 का होगा, उसके बाद जो अगला लेवल है 19,888 का, उससे अगला लेवल है जो वो लाइफ टाइम निफ्टी का हाई है। बट 19,888 से ऊपर ओपनिंग डायरेक्ट होनी चाहिए गैप अप के साथ, वैसे मार्केट अप नहीं जाएगी, ये मुझे लगता है। अब डाउन साइड में देखते हैं, 19,760 का पहला लेवल है, 19,710 का दूसरा लेवल है, 19,670 का तीसरा लेवल है। इसके नीचे अगर 19,670 के नीचे अगर डबल 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है हमें तो हम मार्केट में बियरिश हो जाएंगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। और अब इसके अलावा हम शेयर की बात करें तो आपको जैसा कि बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी भाग चुका है। मैंने आपको बताया था मैंने खुद बुक कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो प्लीज जिसने ना किया हो मंडे को फॉर श्योर बुक कर ले। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस बताया था, एमएनएम फाइनेंस भी भाग चुका है 3-4%। अगर जिन लोगों ने एमएनएम फाइनेंस बुक नहीं किया है प्लीज वो एमएनएम फाइनेंस को बुक कर लें। और एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी भाग चुका है तो उन पे नजर रखें। ब्रिटानिया कल भाग सकता है क्योंकि G20 के चलते FMCG मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि फोकस में हो सकता है, तो लेट्स सी। ITC ब्रिटानिया कल भाग सकते हैं। कल जो अनाउंसमेंट करी है EU कॉरिडोर वाला, उसमें IRCTC मेन प्लेयर होगा और कल IRCTC पे आप नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा लेवल्स को क्योंकि मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग कंडीशन में चली गई है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, अपसाइड भी कुछ भी हो सकता है और डाउनसाइड भी। तो अपने रिस्क और पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ट्रेड करें, पोजीशन साइजिंग जरूर ध्यान रखें, अंधाधुन ट्रेड ना करें, अपना लॉस ना करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं।